IPL is a billion dollar league. क्या आपको पता है कि IPL इंडिया की पहली प्राइवेट T20 लीग नहीं थी और सबसे पहली लीग को खत्म करने में BCCI का ही हाथ था। ये लीग के बारे में शायद किसी को याद भी नहीं होगा, लेकिन इस लीग को IPL का फाउंडेशन भी कहा जाता है। ICL, the Indian Cricket League, was the first T20 league organized, including the overseas players. दोनों लीग्स में बस BCCI के सपोर्ट का ही डिफरेंस रहा। आइए पता करते हैं कि ये लीग कैसे शुरू हुई और कहां खो गई। इस स्टोरी की शुरुआत होती है करीब 50 साल पहले। 1970s में केरी पैकर को हुई थी दिलचस्पी टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट करने में। ICC ने उनके बिड को डिक्लाइन कर दिया और इनएक्सपीरियंस इन स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग की वजह दे दी। अब केरी पैकर इतने आसानी से हार तो मानने नहीं वाले थे। उन्होंने खुद की प्राइवेट लीग शुरू कर दी, द वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। द लीग वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस। लीग के शुरू होते ही ICC को टेस्ट टूर्नामेंट्स और ऑडियंस का अटेंशन अपने हाथों से फिसलता नजर आया। केरी ने ICC को मजबूर कर दिया उन्हें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देने के लिए, और तो और उनके लीग प्लेयर्स पे जो बैन लगा था वो भी हटवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी का ICL से क्या लेना देना। थोड़ा और सबर कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द 2000s, सुभाष चंद्र द चेयरमैन ऑफ जी मीडिया हैड मेड बिड्स इन 2003, 2005 एंड 2006। ही बिड बिग। BCCI ने उनके हाईएस्ट बिड होने के बावजूद ठुकरा दिया और रीजन वही सदियों पुराना, इनएक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। सुभाष चंद्र ने पॉलिटिक्स में घुस के शरद पवार को सपोर्ट करते हुए जगन मोहन दालमिया को BCCI के इलेक्शंस में हरा दिया। शरद पवार की जीत के बाद भी जी स्टिल कुडंट गेट देयर हैंड्स ऑन द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। सुभाष चंद्र को समझ आ गया था कि T20 फॉर्मेट इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द क्रिकेट वर्ल्ड। BCCI थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था, दे इंडल्ज्ड ओनली इन सक्सेसफुली ट्राइड एंड टेस्टेड एंडेवर्स। T20 वर्ल्ड चैंपियंस होते हुए भी इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहां कोई भी प्राइवेट T20 लीग नहीं थी। सुभाष चंद्र T20 वर्ल्ड कप के पहले से ही बैकग्राउंड में काम पे लग चुके थे। 2007 में ही ICL के अनाउंसमेंट्स कर दिए गए थे। बिग नेम्स लाइक ब्रायन लारा, इंजमाम उल हक एंड शेन बॉन्ड वर साइंड। मदन लाल, टोनी ग्रेग एंड किरण मोरे वर साइंड फॉर द बोर्ड, हेडेड बाय द चेयरमैन नन अदर देन कपिल देव। वंस BCCI सॉ द थ्री एलिमेंट्स टुगेदर, अ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, द विजनरी ओनर एंड द प्राइवेट क्रिकेट लीग, BCCI को नजर आ चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। ICL को रिबेल टूर्नामेंट घोषित कर दिया गया। साम दाम दंड भेद BCCI ICL के पीछे पड़ चुका था। उनको किसी भी हाल में ICL को बंद करवाना था। ICC तक पे प्रेशर बनाया गया टू मेक चेंजेस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ प्राइवेट लीग्स वर टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल बोर्ड्स फर्स्ट। दूसरे देशों के क्रिकेटिंग बोर्ड्स पर भी प्रेशर बनाया गया ICL से सपोर्ट विदड्रॉ करने के लिए। इंडियन स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स को दिए गए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दैट नो एसोसिएशन ग्राउंड विल होस्ट ICL मैचेस। स्पॉन्सर्स तक को जताया गया कि ICL को सपोर्ट किया तो BCCI के कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो बैठेंगे। BCCI ने ICL के प्लेयर्स और स्टाफ के सबसे बड़े अट्रैक्शन की भी बैंड बजा दी, हायर पेस। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के पेस, टूर्नामेंट्स, प्राइज मनी सबको दुगना कर दिया गया। स्लोली द BCCI लॉन्च्ड एन अनप्रेसिडेंटेड ऑल आउट वॉर टू कॉर्नर एंड डिसमेंटल द ICL। जो थोड़ी बहुत कसर बची थी उसे IPL के लॉन्च ने पूरा कर दिया। ऑल स्टार प्लेयर्स ऑन बोर्ड, फुल सपोर्ट फ्रॉम BCCI, अट्रैक्टिव वेन्यूज एंड द टाइमिंग टू टॉप इट ऑल ऑफ। IPL की पॉपुलैरिटी और टाइमिंग ने ICL का सर्वाइवल मुश्किल कर दिया था। BCCI ने 2009 में एमनेस्टी ऑफर कर दी थी टू ऑल द प्रोफेशनल्स इफ दे ऑप्टेड आउट ऑफ द ICL। इतने प्रेशर, लो रेवेन्यूज और प्लेयर्स की लीग छोड़ने के कारण ICL को आखिरकार अपना शटर गिराना ही पड़ा। ICL वॉज अ वेकअप कॉल टू द BCCI टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड टू केटर टू द प्लेयर्स, कोचेस एंड द गेम्स चेंजिंग नीड्स। वॉज दिस द राइट थिंग टू डू? ओनली टाइम विल टेल। ICL sparked the revolution that the BCCI was sleeping on. Hope the BCCI has learned its lesson.